हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं तिल पापड़ी, जो कि बहुत आसान तरीके से मैं आपको बनाना बताऊंगी। तिल पापड़ी बनाने के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। मैंने यहाँ पे सफ़ेद तिल लिए है, जो मैंने साफ़ करके अच्छे से क्लीन करके रखे हैं। और मैंने यहाँ पे 50 ग्राम तिल लिया, तो 50 ग्राम ही मैंने शक्कर लिया है। और 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे घी लिया है। अब फ्रेंड्स, गैस पे एक पैन चढ़ाएंगे और तिल को हम मीडियम फ्लेम करके इसको थोड़ा सा 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। ये मैंने गैस पे एक पैन चढ़ा दिया है और गैस की फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और ये तिल हम इसमें फ्राई करेंगे, भुनेंगे। इसका थोड़ा सा हल्का सा सुनहरा कलर चलाते हुए जब तिल चटकने लगेंगे तभी पता चल जाएगा कि हमारे तिल फ्राई हो चुके हैं। इसे हम फ्राई करेंगे। ये फ्रेंड्स, हमें कि पॉलीथीन कवर लिया है, इस पर हमने घी लगा दिया है। अब हम इसमें गैस पे एक पैन चढ़ाएंगे और ये हमारी शक्कर सारी इसमें ऐड कर देंगे और इसे हम लो फ्लेम पे इसकी चाशनी बनने देंगे। फिर हम इसमें तिल ऐड करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, एकदम पूरी शक्कर मेल्ट हो गई है, चाशनी बन गई है। अब हम इसमें ये तिल ऐड कर देंगे। तिल ऐड करके हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये हमारे तिल भी मिक्स हो गए हैं अच्छे से। अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे हम फटाफट, और हमने पॉलीथीन कवर पे जो हमने घी लगाया था उसके ऊपर इसे लगा के हम बेलन की सहायता से अच्छे से बेल देंगे। अब हम इसे फटाफट इसके ऊपर ट्रांसफ़र कर देंगे, इसे हम बेलेंगे। हमें पतली बेलनी, इसे थोड़ी फटाफट करनी पड़ेगी, नहीं तो ठंडी होने के बाद हम इसे पतली नहीं बेल पाएंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा घी डालेंगे और अब हम इसे कवर को इसके ऊपर ऐसे कर देंगे, इसको थोड़ा सा शेप दे देंगे। गरम है फ्रेंड्स, और अब हम ये इसके ऊपर कवर ऐसे रख देंगे और अब हम इसको बेलेंगे बेलन की सहायता से। अब तो फ्रेंड, जितना हो सके उतना पतला बेलिए आप। गर्म है तो एकदम ये जितना पतला छाएंगे उतना पतला बेल सकेंगे, ठंडी होने के बाद नहीं बेल पाते। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी तिल पापड़ी बनके तैयार। अगर फ्रेंड्स आप इसे काटना चाहें तो गर्म गर्म में काटिए, ये थोड़ी ठंडी होगी इसलिए इसे टूट रही है। और अगर आप ऐसे तोड़ भी सकते हैं, ये देखिए कितनी आसानी से टूट रही है। ये फ्रेंड्स, हमारी तिल पापड़ी बनके तैयार है। आप देख सकते हैं कितनी एकदम पतली बनी है, ज़्यादा मोटी नहीं है। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। सब्सक्राइब भी करें, सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन दबाना ना भूले। और अगर कोई भी डाउट्स है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें और ये रेसिपी घर पर ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू।